अब ये आम नहीं रहे हैं, ये आम आदमी थे, बट अब ये बहुत खास हो चुके हैं बिग बॉस सीजन 10 के बिना। मनवीर इज विथ मी। मनवीर, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू जी, आपको भी, आपको भी, आपको भी नमस्कार जी। मनवीर गुजर का। ओके सो टू स्टार्ट विथ मनवीर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, 105 दिन का सफ़र आप सिर्फ एक वाक्य में कैसे कहेंगे? एक सेंटेंस में ना? हाँ जी। मेरी जिंदगी बदल के रख दी है बिग बॉस के घर ने, इससे बड़ा वर्ड मेरे लिए कुछ नहीं है। मतलब एक लाइन में कहूँ तो मेरी जिंदगी पूरी चेंज कर दी है इस घर ने। जैसे हम सब ने देखा कल, मनु ने 10 लाख रुपए लेके ही क्विट, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगा था कि आप उनसे ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप उनके जगह होते क्या आप ये करते हैं? मैं मनु की जगह होता तो एज ए मनु, अगर मनु ने जैसे कल ये कदम उठाया। मैं बताता हूँ कि मैंने यहाँ घर में आने से पहले बहुत सारे काम किए हैं जिनको मैं एक फिनिशिंग मोमेंट नहीं दे पाया, एंड तक नहीं ले पाया, वो मेरे हाथ में था। लेकिन अभी जो मैंने किया है वो सब कुछ जनता के हाथ में था, तो मैंने सब जनता भी छोड़ा, पैसों की तरफ ना तब देखा था ना अब देखा है, और आज उसी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। अगर हम इस शो की बात करें तो शायद आपके आपके डैड के साथ नहीं बनती थी, बट आज वो खुद आके आपके विनिंग अमाउंट की 50% सलमान खान के चैरिटी को डोनेट करे है, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया चीज़ है, उनकी सोच और उनकी सादगी हमेशा इससे अच्छी रही है। शायद मैं ही उनके लायक नहीं था कहीं ना कहीं, लेकिन अभी जो मैंने किया है, अगर उनको इतना प्राउड फील हो रहा है कि वो सोचते हैं कि जो मैंने कमाया है उसमें पूरी जनता का और किसी के वेलफेयर का हाथ है, तो बहुत अच्छा है मेरे लिए, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, एंड लास्ट में जो फैंस हैं जिन्होंने आपको 105 दिन बे इंतहा सपोर्ट किया है, आपके लिए वोट्स करे हैं, अपील्स करी है, आपके लिए लड़े हैं, वो आप उन सब से क्या कहेंगे? जिन लोगों ने मुझे 105, जिन इंडिया वालों ने 105 मुझे झेला है, मुझे देखा है, मेरे साथ रोए हैं, गाए हैं, पिए हैं, सब कुछ किया है, उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आपके आशीर्वाद के लिए। थैंक यू वेरी मच। गाइस, बिग बॉस इज ऑफिशियली ओवर नाउ। अपने कमेंट्स नीचे लिखिए और हमें बताइए कि हाउ हैप्पी आर यू, एंड डू सब्सक्राइब टू टेलीबाइट्स। नियति तिवारी विद कैमरा पर्सन संजय, टेलीबाइट्स मुंबई।